तो फ्रेंड्स मैं इस वक्त हूँ अक्सर के अंदर और आप देख सकते हैं अभी अगर आप साइडों की बात करें तो इस साइड में जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है बिल्कुल भी स्नो नहीं दिखी है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है। और अगर मैं आपको राइट हैंड की बात करूँ तो यहाँ पर आप पूरा स्नो देख सकते हैं, ज़बरदस्त स्नो अभी पड़ रही है, फुल पैक पड़ा है टूरिस्टों के आने के बाद ये बॉक्सर। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो स्नो ड्रेस सारी अवेलेबल है, खाने पीने का अरेंजमेंट, रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज़, सब कुछ यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर हैं मैगी का फुल अरेंजमेंट, टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री है क्योंकि अभी स्नो फ्रेश स्नो पड़ी नहीं है, हम लोग अलग अलग सारे थे वहाँ पर फ्रेश स्नो पड़ चुकी है, आई थिंक रात को ही पड़ी होगी तो ज़बरदस्त था। बाकी रास्ते के नज़ारे आपको दिख रहे होंगे, हम लोग आए हैं अटिका से और बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय किया हमने। टूरिस्ट में आपको दिखाता हूँ, ये है टूरिस्ट, बैठ करके आप कहीं से भी इन्जॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब आया था तो हम लोग पीछे रुके थे और आज थोड़ा सा आगे आ गए हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स खोखसर के अंदर हम लोग यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और पीछे आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश, ये जल बचाएं जीवन बचाएं। यहाँ पर कभी आप आ रहे हैं तो अपने साथ कोई भी गार्बेज यहाँ पर ना छोड़ें, अगर आप आते हैं तो अपने साथ ही जो भी गार्बेज मटेरियल है वो साथ में लेकर के जाएं, हिमाचल प्रदेश को प्रदूषित ना करें। मैंने अपने पिछले जब मैं आया था यहाँ पे खोखसर आज से करीब 6 महीने पहले तो मैंने आपको बताया था और आज भी वही आप गंदगी देख रहे हूँ मैं अपने पीछे, वही पॉलीथीन वाटर बॉटल यही सब अभी भी हैं। तो ध्यान रखें, अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की इस खूबसूरती को हम कैसे सेव रख सकते हैं। दिल्ली या देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो खास करके ध्यान रखें। बाकी मेरे पीछे ATV राइड अगर आपको दिख रही हो, कई सारे एक्टिविटी के पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं, नीचे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग आए हैं अपनी टीम के साथ, टीम भी इन्जॉय कर रही है, हम लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि अभी मनाली के अंदर जनवरी महीने में क्योंकि हर साल ज़बरदस्त स्नो पड़ती थी, अभी नहीं पड़ी है, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर जैसे जैसे हम खूबसर में ऊपर आ रहे हैं गाड़ी को वहीं पर पार्क करके, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस मेरे पीछे क्योंकि सनलाइट यहाँ पे पड़ती नहीं है तो बैक साइड में सनलाइट नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर आपको स्नो दिखाई देगी और जैसे ही आप देखेंगे इस साइड में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ पर स्नो आपको नहीं देखने को मिलेगी। कुछ भी सवाल हैं तो वीडियो पर आप नॉन स्टॉप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर साल हम लोग 2-3 बार यहाँ पर मनाली में आते हैं पूरी टीम के साथ और आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं। आज अटल टनल पर बहुत अच्छी स्नोफॉल देखने को मिली, लाइव नहीं थी गिरी हुई थी स्नो और बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय किया। अटल टनल तो अपने आप में मिरेकल है, कभी भी आप आते हैं तो मनाली टूर में अगर आपका सोलांग इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है तो आप इंक्लूड करवा सकते हैं और आ करके यहाँ पे इंक्लूड करवा के आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। सिस्सू, अटल टनल और उसके बाद आप खोखसर, अगर परमिशन है तो खोखसर तक आप पहुँच सकते हैं। बाकी इंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो फ्रेंड्स खोखसर घूमने के बाद ये टाइम हो चुका है निकलने का यहाँ से और एक बार आप देख लीजिए चंद्रा भाभा रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त अभी ग्रीन वाटर आपको देखने को मिलेगा और यही वो जगह है जिसे हम खोखसर कहते हैं, खोखसर पॉइंट स्नो पॉइंट है। इसके साथ साथ सिस्सू और अटल टनल ये सभी स्नो पॉइंट बने हुए हैं। ये चंद्रभागा नदी है और ये चंद्रभागा नदी आगे जाके पाकिस्तान में जाती है। अच्छा ये हाँ ये होती है लॉर्ड स्पीति वैली से स्टार्ट, ये चंद्र आगे भागा हाँ। दो नदियों का संगम होगा ये अपना तांदी में, फिर ये नदी फिर जाती है अपना पाकिस्तान में। अच्छा जी, तो ये पानी का लेवल है इतना ही बना रहेगा या बढ़ता है? ये तो अभी बिल्कुल कम है, अभी जैसे स्नो और गिरेगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नदी स्नो ही बन जाती है और जैसे गर्मी आती है तो इतना तेज पानी होता है कि मतलब डर लगता है कितना तेज फ्लो होता है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप उसी के हिसाब से यहाँ पर इंजॉय आकर ये कर सकते हैं और जैसे भाई ने बताया बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है नज़ारे। चलते हैं फिलहाल, बैठते हैं और निकलते हैं अटल टनल की साइड में। ये ब्रिज है खोखसर ब्रिज,